हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको क्या उपाय करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, आज आप किस फील्ड में जाएंगे, व्यापार किधर करेंगे, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके लिए शुभ अंक क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा और आज आपको सावधानियां क्या बरतनी, उपाय क्या बरतना है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि लगता है आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, या आपके मित्र या शुभ चिंतक या आपके परिवार के लोग या कोई भी जानना चाहता है, तो आप क्या करें कि इन बॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखिए, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेज दीजिए ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले कार्यक्रम में दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा ही हिस्टोरिकल होगा। आज आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आज आपको पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, आज आपकी योजनाएँ सफलीभूत हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगा, पुरानी महिला मित्र के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आज आपको महिला मित्र के द्वारा काफ़ी सहयोग मिलेगा और चतुर्दिक विकास से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है, साहित्य के क्षेत्र से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। यदि आप एकेडमिक कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। यदि आप लेखन कार्य करना चाहते हैं, साहित्य में कुछ करना चाहते हैं या फिल्म बनाना चाहते हैं या संगीत म्यूजिक या कंस्ट्रक्टिव या ललित कला के फील्ड में अगर आप जो भी भाग्य जमाना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए यह एरिया बहुत ही फर्टाइल है और आज आपको काफ़ी उसमें लाभ मिलेगा, असतीत सफलता मिलते हुए दिख रही है और एक साथ बहुत सारे कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। यह ध्यान रखना है कि किसी भी स्ट्रेंजर से, अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं करना है। साझेदारी में किया गया कार्य से व्यापार से आपको नुकसान हो सकता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक कुछ बड़े लेवल पर अगर व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है या एजुकेशन इंडस्ट्री है या टेक्निकल क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो आज का दिन कार्य की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन दिन सिद्ध हो सकता है। माली हालत आपकी अच्छी होगी। यदि भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ी भी रुकने की जरूरत है क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा तो आज आपको उसमें सफलता मिलते हुए दिख रही है और सरकार से भी लाभ मिलेगा। नए तरह के कार्यों से मन प्रसन्न रहेगा और आज आपको ध्यान रखना है रोग और शत्रु को हल्के में न लें। अपने अतींद्रिय ज्ञान की बात माने, जो आपका इनर सेंस अलाउ करता है उस दिशा में अगर कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि खान पान पर नियंत्रण रखें और एकाग्र होकर के अपने कार्य में लग जाएं। पूरी ऊर्जा के साथ आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपके लिए आपको उपाय क्या कर रहा है, आज गौशाला में जाएं और अपने हाथ से गाय को चने का दाल और गुड़ खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चिड़ियों को दाना खिलावें, बेहतरीन रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्ण।